लीप वर्ष होने की वजह से आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है जिन लोगों का जन्मदिन 29 फरवरी को आता है, क्योंकि ये दिन 4 साल बाद आता है। इसलिए वो दिन बहुत ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। और बात करें आज जन्म लेने वाले बच्चों की, तो पठानकोट के सिविल अस्पताल में आज के दिन जन्म लेने वाले बच्चों की गिनती 9 है, जिसमें 6 लड़कियां और 3 लड़के शामिल हैं। बात करें नक्षत्रों की, तो नक्षत्रों के हिसाब से भी आज जन्म लेने वाले जातकों के लिए बड़ा दिन है। इस संबंधी जब अस्पताल के अधिकारियों से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि आज सिविल अस्पताल में 9 बच्चों ने जन्म लिया है। तरीक है 29 फरवरी है, लीप वर्ष के बीच आज कितने बच्चों का हूं तक बर्थ हो चुके हैं और कितनी लड़कियां कितने लड़के ने? सिविल हॉस्पिटल पठानकोट में आज टोटल 9 डिलीवरीज हुई हैं, जिदे विचों 6 फीमेल्स ते 3 जिहड़े हैगे आ मेल्स होए हैगे हूँ तक, यानी कि दोपहर के करीब कोई 3 बजे तक टोटल डिलीवरीज जिहड़ी हैगियां 9 हैगियां, जिहदे विच 4 सर्जरीआं ते 5 नॉर्मल डिलीवरी हैं, ते टोटल 6 कुड़ियां हैगियां ते 3 मुंडे होए। आज जन्म लेने वाले बच्चों के संबंध में जब पंडित से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि आज जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही सुंदर और बोलने में चतुर होते हैं। उन्होंने बताया कि आज जन्म लेने वाले बच्चे अगर लिखने या खाने पीने क्षेत्र में जाते हैं, तो वे उसमें सफलता हासिल करेंगे। जिनका जन्म 29 फरवरी को होता है, वो अपना 4 साल के बाद अपना जन्मदिवस मनाएं। जबकि जो 29 फरवरी 4 साल के बाद आता है, साल में एक दिन की बढ़ोतरी होती है, एक दिन बढ़ जाता है इसमें। 29 फरवरी को आज फाल्गुन मास है, शुक्ल पक्ष है, तो उनकी पंचमी तिथि शनिवार, वर्णी नक्षत्र ब्रह्म योग और वालवकर्ण है, तो इसी के अनुसार ही वो हर साल जो है अपना जन्मदिवस मना सकते हैं। जैसे कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को अपना जन्मदिन मना सकते हैं, वो जन्म हुआ उनकी वृक्ष राशि होगी, वर्णी नक्षत्र है, और इस राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है। शुक्र की राशि में उत्पन्न हुए बच्चे सुंदर सुशील और बोलने में चतुर होते हैं, जिस भी क्षेत्र में लिखन और लेखन के खाने पीने के क्षेत्र में वो जाते हैं और उसमें अपनी सफलता प्राप्त करते हैं। पठानकोट से अजय कुमार, लक्ष्मण महाजन की रिपोर्ट।